हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज भिंडी बनाते हैं। इसके लिए मैंने ये भिंडी ली है जिसको मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया, और ये एक प्याज लिया जिसको मैंने चॉप कर लिया, और थोड़ा सा अदरक लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कढ़ाई रखते हैं और उसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। जी हाँ, ये देखिए, इसमें भिंडी बहुत टेस्टी बनती है सरसों के तेल में। इसको अच्छी तरह से हम गर्म करेंगे। तेल गरम हो गया है, उसमें हम ये जीरा डालेंगे। जीरे के साथ ही हम इसमें भिंडी डालेंगे। जैसे ये थोड़ी सी पक जाएगी हम इसमें अनियन डालेंगे। पहले नहीं डालेंगे अनियन, अब इसको थोड़ी देर के लिए पकने दीजिए, छोड़ देंगे। अब इसमें हम कटा हुआ प्याज जो हमने काट के रखा था वो डाल देंगे, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हो गई। अब इसमें हम मसाले डालेंगे जो घर पे ही अवेलेबल है हमारे। जीरा पाउडर थोड़ा सा, गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। ये अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको लेस से बचाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अब इसमें आएगा नमक स्वाद अनुसार, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड, ऐसे भिंडी सिर्फ 5 मिनट से भी कम समय में बनके तैयार हो जाती है। आप इसे जैसे मर्जी परांठे के साथ, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, और टिफिन में भी दे सकते हैं, फटाफट से बन जाती है ये। चलिए अब इसे 2 मिनट के लिए और पकाते हैं, फिर ये तैयार हो जाएगी स्लो पे। कर लेते हैं, हमारी भिंडी हो गई लगती है। हाँ जी, ये बन गई है, देखिए कितनी अच्छी बनी है ये। चलिए आप इसे सर्व कर सकते हैं परांठे के साथ, चपाती के साथ। ये देखिए, मैं चेक भी कर लेती हूँ। हाँ, ये हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।